हेलो फ्रेंड्स, हम अभी कहीं जाने वाले हैं और हम दोनों रेडी हो चुके हैं। मम्मी का भी रेडी होना बाकी है और मेरे नए शूज भी, आज उनका उद्घाटन हो जाएगा तो बस मेरे शूज रहना बाकी है और ये पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है। मम्मी अभी रेडी होगी, फिर हम कहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो रेडी हो गए हैं और इधर में देखिए, मैं अभी नाइटी में घूम रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैंने घर का काम समेटा है। अभी खाना वाना हो गया है हमारा, तो चलिए अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी देर हो गई थी, मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ यही चूज़ करने में मुझे टाइम लग गया। तो फाइनली मेरा डिसाइड हो गया कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग और मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोग। फ्रेंड्स हो गए हम तीनों रेडी और बच्चे पहले ही रेडी हो गए थे और फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो मैंने डाली है फ्रेंड्स साड़ी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपनी जिठानी के घर पे और इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है। फ्रेंड्स जिठानी के घर पे भी क्यों जा रही हूँ तो आप लोगों को वहीं जाके पता लगेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम करना भूल गई। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं लता स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक और वीडियो जैसा भी लगे फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और अभी मेरी पूरी यानी कि पूरी साड़ी का लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी साड़ी और ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट में साड़ी है और मैंने आज न्यू पर्स लिया है, ये देखिए ब्लैक कलर का छोटा सा पर्स है फ्रेंड्स, तो अभी यही पर्स में लेके जाऊंगी। तो प्लीज बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स हो गए हम पूरी तरह से रेडी और टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है फ्रेंड्स, तो अभी निकल जाते हैं हम, हमें जाने में भी 1 घंटा लगेगा। तो अभी घर को लॉक करती हूँ, इधर से लाइट ऑफ करूंगी और चलते हैं फ्रेंड्स। तो और आयुष के पापा नहीं है घर में, अभी वो ड्यूटी गए हुए हैं, ड्यूटी से आएंगे। चलिए बंद करते हैं दरवाजा, आयुष घर को लॉक कर रहा है फ्रेंड्स, आयुष ने लॉक कर दिया है घर को और अभी हम निकलते हैं और ऑटो लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हम घर से बाहर आ गए और ये देखिए अनुषा को, हेलो हेलो, आयुष चला गया है सबसे आगे। चलिए फ्रेंड्स, इतनी देर इंतजार के बाद हमें ऑटो मिला है और हम बैठ चुके हैं और अभी निकल गए हैं फ्रेंड्स, और अभी वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों से। हमें कम से कम भी आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए, अभी ऑटो मिल गया। हाँ भैया, भैया पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिए। पहुंच गए हैं और चलते हैं घर पे ऊपर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। फाइनली पहुंच गए हैं, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा जीने में। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए हम, ये हमारे भाभी जी और आ गए फाइनली। और यहाँ पे तो देखो सब लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे भाभी जी बैठे हैं और ये भाभी जी इनसे मिलिए हमारी भतीजी, ठीक हो। और पहुंचे हैं भी, अभी बताया नहीं ना फ्रेंड्स को हम क्यों आए हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स मिलाती हूँ मैं और बताती हूँ कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ फ्रेंड्स, अपनी जिठानी के घर पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, डेकोरेशन देख के समझ गए होंगे आप लोग, और हमारे परिवार में न्यू मेहमान आया है फ्रेंड्स, और यानी कि मैं दादी बन गई हूँ दादी बन गई हूँ। और ये देखिए, ये बुआ बन गई है, चाचा बन गया ये है ना। और ये मेरी जिठानी है ना, इन्हीं के ही भाऊ है, इनके बेबी हुआ है फ्रेंड्स। और अभी बेबी में क्या हुआ है ये हम अभी बताएंगे नहीं, और फेस रिवील भी अभी नहीं करेंगे। और ये देखे बेबी की मौसी है, हेलो करो भी और बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक। और अभी हमारी पूजा वगैरह बाकी है, तो हमारे जो राजस्थान का कल्चर है वो सब आपको दिखाएंगे कि हमारी साइड में किस तरह से होती है पूजा वगैरह। चलिए फ्रेंड्स बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मांडले की रस्म की पूरी तैयारी हो गई है, और हमारे साइड में जब बेबी होता है तो 3-4 दिन के बाद में ये रस्म की जाती है फ्रेंड्स। और आप लोगों के साइड में इस रस्म को किस नाम से बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे रस्म में होता है फ्रेंड्स, जो देवर होता है अपनी भाभी का पल्ला पकड़ के जहाँ पर पूजा होती है वहाँ तक ले जाया जाता है, और उसको देवर को हाथ में दिया जाता है, चाकू में लगा करके गुड़ की भेली दी जाती है और पैसे दिए जाते हैं। तो ये शगुन होता है फ्रेंड्स, नेक होता है ये, तो वो किया जाता है। तो यही सब किया है यहाँ पे। तो सबसे छोटा आयुष ही था, तो देवर लगता था, तो आयुष ने ही अपनी भाभी का पल्ला पकड़ा था। और ये पूजा की जाती है यहाँ पे, दरवाजे में कर रहे थे पूजा, तो इसमें स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है पटरे पे, तो स्वास्तिक बना दिया था। और इस पर हमारे में यहाँ मांडले में बनता है फ्रेंड्स, हलवा बनता है, घूघरी बनती है, तो इन्हीं सबको चढ़ा करके पूजा की जाती है। तो इधर में पूजा हमारी हो गई थी, तो फिर आरती कर रही थी ननद, तो जो हमारी जेठ की लड़की है वही आरती कर रही थी अपनी भाभी की। तो पूजा हो गई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाकर छींटे मारे जा रहे थे और पूजा होती है। इसी तरह से हमारे साइड में मांडले की रस्म होती है फ्रेंड्स। और पूजा होने के बाद में जो भी बड़े होते हैं सबके पैर छू करके और पैसे दिए जाते हैं, तो मेरे भी पैर छूए थे क्योंकि मैं भी चाची सास हूँ। देखिए इधर में हलवाई जी लगे हुए हैं हमारे भाभी जी, और चाय बना रहे हैं है ना, और उस पतीले में सब्जी बनाए हैं अभी, और देखें गीत गा रहे हैं गीत है ना, दिखाते हैं यहाँ देखें हमारे कैसे में गीत गाते हैं, दिखाते हैं फ्रेंड्स। चाय का टाइम भी हो गया ना, है ना, चाय 4-5 बजते है ना, मन करता है ना चाय पियो। अच्छा ये फ्रेंड्स इवनिंग चाय पीने के लिए भाभी जी के हाथ की, देख लेना भाभी जी को गाइस देखो यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, मम्मी बेले जा रही है और ताई जी तले जा रही हैं। ताई जी पूरी तले जा रही है, आज हलवाई की कुर्सी संभाल रखी है ताई जी ने आपने भी तो संभाल रखी है। नहीं मैं तो पूड़ियां बना रही हूँ, तो हलवाई वो भी तो करते हैं। सपोर्ट रखो। आयु खाना खा लियो भाई, लो अच्छी बनी सब्जी। आयुष खाना नहीं खाना, खा लिया। अच्छा अड़िया है खबर। हाँ फ्रेंड्स चलते हैं, टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और निकलते हैं। भाभी जी बाय 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 बाय। और अभी हमारा जो बेबी हुआ है ना, उसका फ्राइडे को हम मुंह दिखाई करेंगे इसकी तभी मिलाएंगे आपको, ठीक है। पर चलते हैं अभी, ये हमारी चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, फेस बाय, आराम से रहना ठीक है, बाय सब एक साथ। हाँ ठीक है, आ रहे हैं शुक्रवार को फिर से, ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। हाँ चलिए।
तो फ्रेंड्स देखें अंधेरा काफी हो गया है और अब चलते हैं। आऊंगी सब करवाने, ठीक है बबलू? ठीक है चाची, भतीजा है मेरा। तो फ्रेंड्स ऑटो में बैठ गए हैं और अंधेरा काफी हो गया है फ्रेंड्स, और अब जाके मिलेंगे आप लोगों से घर पे, ठीक है? ये दोनों ही घर में बैठे हुए हैं। आज का सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला फ्रेंड्स, अपनों के साथ में ऐसा ही होता है। और दादी बन के बहुत खुशी होगी। चलिए घर चल के मिलते हैं, बाकी बातें घर पे जाके करते हैं हम। उतर गए हैं और 8 बज गए हैं फ्रेंड्स, आते आते अंधेरा काफी हो गया है, रात हो गई है, और चलते हैं, पहले ठंड लगने लगी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं और इधर किचन में मैं कर रही हूँ, मेरे कान्हा जी का दूध गर्म कर लिया है देखिए, और क्योंकि हम लोग तो खाना खा के आए थे फ्रेंड्स, पर मैं कान्हा जी को भोग लगाने जा रही हूँ। और काफी तेज सर में दर्द होने लगा था फ्रेंड्स, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और अभी कान्हा को भोग लगा के आती हूँ। और कान्हा जी का भोग भी लेट हो गया है फ्रेंड्स, 9 बज गए हैं, तो मैंने अभी जस्ट भोग लगा दिया है। और बच्चे भी फ्रेंड्स चले गए हैं सोने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स आते के साथ में ही फ़ोन में लग गए हैं, और हमें बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स। और सारे दिन आज कैसे बीत गया पता ही नहीं चला फ्रेंड्स, और दादी बन गई मैं दादी। और बेबी का फेस रिवील अभी नहीं किया हमने, क्योंकि अभी हम फ्राइडे को उसका फेस रिवील करेंगे और बताएंगे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वो भी फ्राइडे को जो व्लॉग आएगा मेरा उसी में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो मेरे व्लॉग प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि फ्रेंड्स थकान हो गई है तो सर दर्द कर रहा है, तो अब हम आराम करते हैं, सोते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।